गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं इंद्रजीत। आप सबका रिकमेंड था कि जितने भी सब्जेक्ट हैं प्रयास के लिए उसका भी आप सिलेबस बताइए, तो उसी संबंध में मैं आज ये वीडियो लेकर आया हूँ। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेवे और बेल आइकॉन का घंटा दबाना ना भूले दोस्तों। आप सबके लिए प्रयास संबंधित रोजाना वीडियो अपलोड हो रहे हैं, उसको आप देखते रहिए, लाइक करें और उन जरूरतमंद लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इनकी अधिकतम आवश्यकता है, शेयर करते रहें दोस्तों। तो चलिए देर ना करते हुए आज आप हिंदी के सिलेबस के विषय में चर्चा करेंगे। मैं आपको 20 ऐसे टॉपिक बताऊंगा जहां से क्वेश्चन आने ही हैं और विगत वर्ष भी क्वेश्चन वहां से आए हैं। तो जो मैं टॉपिक आपको बताने वाला हूं वो क्लियरली आप समझ लेंगे, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप करते रहिए, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं जो मैं बोल रहा हूं। ओके, तो चलिए हम देर ना करते हुए डिस्कस करते हैं क्या क्या क्वेश्चन आ सकते एग्जाम में। देखिये, सबसे पहले आपका पर्यायवाची शब्द, ये तो आना ही है। सेकेंड है आपका मुहावरा या लोकोक्ति, ओके। फिर है आपका स्वर व्यंजन एवं स्वर की पहचान। अब इसमें भी आप देख लेंगे दीर्घ स्वर, लघु स्वर, ये पहचान करने आपके एग्जाम में पूछा जाएगा क्योंकि पिछले साल ऐसा ही क्वेश्चन आया है, ओके। फिर है आपका एक शब्द में उत्तर देना, ठीक है। जैसे जिसको कोई नहीं मार सकता उसको क्या बोलते हैं अपन, अमर, नहीं मर सकता वो, ओके। वैसे ही आपका विशेषण, अलंकार, रस, रस में आप वीर रस वेरी इंपॉर्टेंट, उसको आप जरूर देखेगा क्योंकि वीर रस से विगत दो वर्षों में क्वेश्चन आ रहे हैं। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, पहला क्वेश्चन। दूसरा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, आगे बढ़ा के दे दिया। तो ये दो क्वेश्चन आए हैं। वैसे ही आपका विलोम शब्द है, फिर आपका तत्सम रूप और तद्भव रूप, ये भी आप क्लियर कर लेंगे। समास, समास के पूरे टाइप क्लियर कर लेंगे, वहां से एग्जाम्पल के रूप में क्वेश्चन आते हैं। फिर आएगा आपका संधि, शुद्ध वाक्य करना, जो भी वाक्य दे रहेगा उसको क्या करना है, अपने को शुद्ध वाक्य करेक्ट करना है। फिर पाठ के कहानी, कविता के लेखक या कवि का नाम, जो पाठ संबंधित कहानी है उसके लेखक या फिर कविता है तो उसके कवि का नाम, ओके, ये आप याद कर लेंगे। उसके बाद है आपका संज्ञा व उसके प्रकार, जितने भी उसके प्रकार है वो भी एग्जाम्पल टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे। कुछ दे दिया और पूछेगा कौन सा संज्ञा ये बताइए, वैसा ही आपका सर्वनाम है। फिर आता है आपका शब्दों का अर्थ, कोई क्रिटिकल शब्द देगा और बोलेगा इसका अर्थ क्या है, या छत्तीसगढ़ी शब्द देकर बोलेगा इसका अर्थ क्या हिंदी में, तो ये आप क्लियर कर लेंगे। फिर सुमेलित करना, कोई दो चीजें देगा और उसको बोलेगा मैच करिए, ये भी आ सकता है आपका। फिर है आपका राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान के रचयिता व राजकीय गीत, ठीक है। राष्ट्रीय गीत से भी क्वेश्चन आया है कि उसके रचयिता कौन है, राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान के क्वेश्चन आए हैं कि उसके लेखक कौन है, ठीक है, सॉरी उसके भी कवि होंगे तो वो आप कर लेंगे क्लियर। वैसे ही राजकीय गीत है, अरपा पैरी के धार, इस टॉपिक में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी आप क्लियर कर लेंगे। कुछ प्रसिद्ध गीत व उसके लेखक, ठीक है, कुछ प्रसिद्ध गीत और व उसके लेखक आप एकदम क्लियर कर लेंगे। जैसे पिछले बार एक क्वेश्चन आया था, महात्मा गांधी जी का एक प्रसिद्ध गीत था, वो गीत मैं आपको बता देता हूँ। वैष्णव जन तो तेणे कहिए किनका प्रिय भजन है, तो इसमें महात्मा गांधी आपका उत्तर था, ठीक है। तो वैसे ही राष्ट्रीय गीत और राजकीय गीत के रचयिता का नाम भी आ सकता है, तो आप क्लियर कर लेंगे। कुछ प्रसिद्ध गीत एवं उसके लेखक, ये मैंने आपको क्लियर करा दिया। अब है आपका लास्ट टॉपिक है 20वां नंबर का, पाठ्य संबंधी प्रश्न, ठीक है। छोटे छोटे जो क्वेश्चन बनते हैं पाठ से वो भी आप देख लेंगे। मैंने आपको 20 ऐसे टॉपिक बताए हिंदी के लिए जहां से क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है। यदि आप ये 20 टॉपिक कर लिए तो हिंदी में जो 10 नंबर के क्वेश्चन आने हैं वो आपका बिल्कुल क्लियर है और यही सब टॉपिक में ही क्वेश्चन आना है, ओके दोस्तों। तो ये रहा आपका 10 नंबर के लिए 20 टॉपिक, ओके। तो ये 20 टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका प्रयास में 10 नंबर फिक्स होगा। और हिंदी बहुत सरल सब्जेक्ट है तो आपको इसमें स्कोर करना है ताकि आपका मार्क्स आगे बढ़ जाए, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के लिए, और आने वाले वीडियो में
मैं आपको संस्कृत का, विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का और इंग्लिश का ये सिलेबस मैं बता दूंगा, टॉपिक बता दूंगा क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और विगत वर्षों में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? तो आप मेरे वीडियो के साथ हमेशा बने रहें, शेयर करें वीडियो को और लाइक करें। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और मेरे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहें। ओके दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। थैंक यू।